नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बालाजी एली चैनल में। चलो ये हमारा इन्वर्टर दोस्तों चार्जिंग नहीं कर रहा है। देखो इसकी चार्जिंग पॉइंट है जो भी लिंक नहीं कर रही है दोस्तों, और कस्टमर का हमारे पास फोन आया कि ये चल नहीं रहा है। चलो हमने आके देखा तो बैटरी की तरफ पहुंचे दोस्तों। हमने एक अपने जग के अंदर पानी गर्म करवाया दोस्तों, दो चम्मच नमक डाल के आधा जग, ठीक है, क्योंकि हमने देखा जो टर्मिनल थे दोस्तों इसके काफ़ी जल गए थे दोनों साइड से। ये देखो वायर भी टूट के हमारे हाथ में आ चुका है। चलो अब हम क्या करेंगे, जो हमने पानी गर्म करवाया था दोस्तों, देखो दोनों पॉइंट हैं, बाकी हमारा जो नेगेटिव पॉइंट है दोस्तों ठीक है, जो पॉजिटिव पॉइंट था वो खत्म हो चुका था। तो हमने सबसे पहले इन्वर्टर को किया बंद ताकि अर्थिंग का खतरा ना बने दोस्तों। चलो हमने सर उसके बाद अपना जो जग था एक ब्रश लिया दोस्तों, उससे हम इसे अच्छी तरह साफ कर लेंगे। देखो गर्म पानी को हमने मिला लिया, नमक डाला था एक चम्मच, उसके बाद हम देखो सफाई कर रहे हैं इसकी, प्रॉपर तरीके से इसकी सफाई कर लेंगे हम, ठीक है। और हमें साफ कर लेना पूरा अपना नमक वाले पानी से दोस्तों। हमने पानी को गर्म करवाया काफ़ी अच्छे तरीके से, गर्म करवाने के बाद इसे हम अपना ब्रश के साथ साफ कर रहे हैं, ठीक है, इसी तरीके से इसकी सफाई कर लेंगे दोस्तों। ये जल्दी ही जल्द सफाई करते रहना चाहिए या इस पर ग्रीस वगैरह लगा लेना चाहिए, पर कस्टमर हमारा क्या करते हैं, नहीं लगाते हैं। जो मिस्त्री भाई लगा के जाते हैं इन्वर्टर, कई बार नहीं लगाते हैं और कस्टमर भी इस चीज़ पर ध्यान नहीं देता है, ठीक है। चलो हम पानी ऊपर से डाल लेते हैं थोड़ा थोड़ा, और इसे अच्छी तरीके से हम इसे खोल लेंगे, ठीक है। पानी गर्म हो गया, इसके जो नट है दोस्तों खुल जाएगा हमारा, नहीं खुलता तो हमें इसे काटना पड़ेगा। ऐसे तो हम दोस्तों इस पर पानी डाल के अच्छी तरीके से खोल लेंगे, ठीक है। देखो काफ़ी जिसमें साइड में से इसका जो कार्बन जम चुका था दोस्तों वो हट गया है, ठीक है। दोनों साइड से इसका कार्बन अच्छी तरीके से उठा लेंगे, देखो अब भी है हल्का हल्का सा, उसके बाद हम इसे खोल लेंगे। चलो पहले हम इसे अच्छी तरह सफाई कर लेते हैं इसकी, अच्छी तरह से इसे खोल लेते हैं, जब तक थोड़ा सा हल्का ढीला हो जाएगा दोस्तों। ये देखो काफ़ी टाइट हो चुका है, काफ़ी टाइट है, जिस कारण से ये हमारा कार्बन लग गया था दोस्तों काफ़ी, इस वजह से हमारा टाइट हो चुका था मैच, ठीक है। चलो अब हमने इसकी कर ली सफाई, अब हम करेंगे इसे देखें खोल के दोस्तों, ठीक है। एक साइड से प्लास्टर पकड़ेंगे दोस्तों, और एक साइड अपना चाबी वगैरह लगा के अच्छी तरीके से इसे खोल लेंगे, ठीक है। चलो ये हमने तोड़ दिया दोस्तों, टूटी का हमारा खुला नहीं दोस्तों ये। चलो हमने तोड़ने के बाद अब हम लगाएंगे यहाँ पे नया नट, और साथ ही साथ देखो हमारे पे थिम्बल खत्म हो चुके थे, थिम्बल थे नहीं दोस्तों, तो फिलहाल तो कस्टमर का काम चलाना है। तो वायर को इसी तरह से फोल्ड किया और अपना एक नया नट लगा देना है दोस्तों, उसमें नट बोल्ट दोनों नया लगा देंगे हम, ठीक है। वैसे हमेशा थिम्बल लगा के ही लगाएं दोस्तों, थिम्बल लगाने से काफ़ी फायदा होता है, बार बार कार्बन नहीं पकड़ता। पर हमारे पे स्टेम खत्म हुए हैं नहीं दोस्तों, तो हम इसे इसी तरीके से चला देते हैं, ठीक है। चलो नट को टाइट करेंगे प्रॉपर, और हम आपको दिखाएंगे हमारी लाइट जो चार्जिंग है वो व्हीलिंग करने लग जाएगी दोस्तों, यानी कि हमारा जो कमी थी दोस्तों कंप्लीट हो चुकी है केवल सफाई से ही। कि कई बार ये अक्सर शिकायत आती है कि कस्टमर ध्यान नहीं देते हैं इन चीज़ों पे, और जैसे चलो हमने इसके नट को अच्छी तरह टाइट कर लेंगे दोस्तों, जितना फुल होना चाहिए। फुल टाइट करने के बाद हम आपको दिखाएंगे इसकी जो लाइट है वो व्हीलिंग करने लग जाएगी, यानी कि चार्जिंग हमारी होने लग जाएगी दोस्तों। चलो दोनों साइड ने टाइट करे, उस साइड भी हमने नेगेटिव भी टाइट कर लिया, पॉजिटिव भी टाइट कर लिया दोस्तों। देखो प्रॉपर टाइट हो गया और सफाई भी हमारी काफ़ी अच्छी हुई है। ये देखो हमारा नेगेटिव भी काफ़ी साफ कर दिया था दोस्तों हमने। उसके बाद चलते हैं अब हम इन्वर्टर की तरफ। चलो ये देखो हम इन्वर्टर की तरफ आ चुके हैं दोस्तों, ये देखो लाइट व्हीलिंग कर रही है। चलो हम अंधेरा करके दिखाते हैं आपको, थोड़ा सा साफ दिख जाएगा। ये देखो ये हमारा व्हीलिंग करने लगी है लाइट, देखा दोस्तों आपको व्हीलिंग करने लगा है, यानी कि हमारा इन्वर्टर चार्ज होने लगा है दोस्तों।